वाहे गुरु। साहिब जीओ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगन ना विचार होई माटी का क्या तो मानस की गत एही मेरे मन सतगुर से सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ फिर दुख ना व्यापे कोई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै उले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई नहीं तुत जे नहीं तुत जे नहीं तुझ 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 जे
नहीं तू दे या
रामदास गुरु दिन सिरिया इन
कर रखा तो तेरा अंत न पाया।
साथ साथ जो उन्हें शब्द बयान करता है एक बड़ी कीमती गल कही गई है। जिन्ना न सेविया पाओ जे ओ पाओ जे नहीं उठता मन विच ते केवल शरीर वजो ही गुरु कोल आना बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। जे जिस दे अंदर कदी कोई भाव नहीं उठा परमात्मा मतलक तो फिर आया सारा खत्म। आओ हुन अगले शब्द गायन करिए चौथी पातशाही द्वारा जो उच्चारण किए हुए उन्होंने खुद शब्द हैं वो बहुत भाव उठाते हैं। ज्यादातर जो शब्द उन्होंने हैं वो दर्शन के शब्द हैं, उस परमात्मा की तांग वास्ते उठते हुए शब्द हैं। आओ उन्हां शब्दों नूं अपने भी मुखों उच्चारण करिए, क्योंकि कहिंदे हन ना कि कबीर जी का बहुत मशहूर है कि रसरी आवत जात है सल पड़ पड़त निशान। ते आओ वो रस्सियां वो अरदासां वो बेनतियां जो गुरुआं दे मुखों उच्चारण हुईयां ते परमात्मा ने प्रमाण भी कीतियां, इन्ने कीमती शब्द साडे कोल हन। आओ असी भी उही शब्द, हालांकि उन्होंने भाव का तो असी नहीं कर सकते पर फिर भी उन्होंने मार्ग पर ही चलना है, उसी भाव च आके डुब के लीन हो के उही शब्द जो किसी वक्त उन्होंने मुखों उन्होंने दिल तो उस परमात्मा के तांग वास्ते उठे होंगे उही शब्द असी भी अपने अंदर उठाइए, ताकि वो रस्सी साडे कठोर मना दे जो पत्थर हैं उन्होंने भी आए जाए तो उन्होंने भी निशान पै ही जाए पेगा ही। गुरु रामदास जी कहते हैं जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावें, सरन जाओ तो सही जाते ही वह लाज रखता ही रखता है। पर परमात्मा की सानू इन्नी वड्डी छूट है, परमात्मा ने सानू इन्नी वड्डी स्वतंत्रता दिती है कि वो कहता है कि ठीक है जे वो नहीं आना चाहता तो ना आए, जबरदस्ती नहीं अपना नाम जपवाता, जबरदस्ती नहीं अपने को करवाता, साड़ी स्वतंत्रता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना जिन्नी नाम त्याया गेम सरकार, उस तो पहले क्या है कि कोई उसके नेड़े है तो कोई उस तो दूर है, साढ़े हाथ विच ही है। परमात्मा का खुला द्वार है, साढ़े ही मर्जी है असी उस प्रवेश होइए या ना होइए। सो आओ उन्हां दा ही क्या होया जन नानक सरन द्वार, असी सरन जाइए वो भाव पैदा करिए अते उही शब्द जो उन्होंने उच्चारण किए असी भी अपने मुखों उच्चारण करिए, ताकि साडे मनां दे विच भी उस दे निशान पै जाण, सानू भी किथे परमात्मा वो कृपा वो बख्शीश वो नदर साडे ते भी निछावर कर दे। आओ सरल के गायन करिए अगले शब्द गुरु रामदास जी दे उच्चारण किए हुए शब्द। कब गलता प्रभु मोहि कब गलता कब गलता प्रभु मोहि कब गल हम
बदल लाएंगे, लाएंगे कब बदल लाएंगे, कब नोए कब बदल लाएंगे, लाएंगे कब बदल Go!
हर पापे होए अपागी गल है। इस तो अपागी गल हो नहीं सकती कि कोई चीज़ साढ़े तो अलायदा होवे, अलग होवे, ते जे सानू ना मिली होवे या ना मिलती होवे ते गल समझ आती है। पर क्या जाता है कि जो परमात्मा है, जो हरि है, वो साढ़े अंदर ही है। और दसो किन्नी साढ़े वास्ते अपागी कह लो, शर्मनाक गल कह लो कि सानू कुछ नहीं पता। अखा बंद करके एक अजीब जी नेरे तो सिवा सानू कुछ नहीं दसता। और इस
धरती ते पता नहीं किन्ने हजारां सालों तो कहा जाता है कि जो हरी है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जो भगवान है, वो तुहाडे अंदर ही है। कहिंदे ना काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, सदा अलेपा। तैनू उन्हें हमेशा ही अलेपया होया है, तो ही संग समाई, तेरे नाल ही वह समाया होया। दसो किन्नी अपने आप ते कई बार सोच के जो वह शब्द गायन करने हाँ तो शर्मिंदगी, शर्म, किन, अफसोस, अपना अभागापन महसूस होंदा है कि वाकई ही कि जो क्या जाता है कि परमात्मा ही साढ़े अंदर वसदा है, सानू उसका ही नहीं पता किन्नी साढ़े वास्ते भागी गल है। सो आओ यह गल सोच के समझ के ते भाव उठता ही है अरदास करन दा, बेनती करन दा कि मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। जे तू साढ़े अंदर तू ही है ते तेरे ते सिवा साड़ी है भावना जान ही कौन सकता है, तेरे तो अच्छा उपर जान नहीं सकता। हमरी बेदन तू जानता साहब अब क्या जाने कोई। जे तू परमात्मा ही साढ़े अंदर वसदा है, वो सानू उसकी ही भुख है, उसनू ही असी जानना है, तो साढ़े उस तो इलावा होर कौन अच्छी तरह यह साड़ी भावना जान सकेगा। सो यही बेनती कर रहे हैं, असं भी यही बेनती करिए सारे रल के लीन हो के ए शब्द गैर 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 मेरे शाह
सबना नू इको दात केड़ी दिंदा है इसका जो दस्या है वो गुरु नानक देव जी ने दस्या है जेवड आप तेवड तेरी दा बड़ा वड्डा दानी होएगा जिन्हें कोई अपना राजपाट छड्या होए बड़े होंगे होए भी ने सब कुछ जान दान दिता पर परमात्मा इन्ना वड्डा दानी है इन्ना वड्डा दानी है कि दात विच अपने आप नू ही दे देता है जिस विच नू उसकी दात मिलती है वो परमात्मा ही हो जाता है उस परमात्मा ही उतर जाता है सो ताही कह जाता है कि तू सबनों इको ही दात देता है वो की दात है अपने आप नू ही देना जेवट आप तेवट दे सब तुझ ही था मंगने Oh,
सब जीते तू सब Oh,
शब्द आओ। इस शब्द विच परमात्मा दे पाने विच किस तरह गुरु महाराज जी ने शब्द उच्चारण किया। एक तो उन्होंने परमात्मा नूं अपनी आस दसती, अपनी मंग दसती कि मैनू तेरे दर्शन चाहिए। बड़ी मिन्नतां भी कीतियां हन शब्द विच, पर अखीर विच देखो परमात्मा नूं यही कह रहे हैं कि ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यार। रहना तू पाने विच, अपनी मंग भी बाद चो वापस ले ली। जिन्हें दी कोई भी मंग नहीं रह जाती, परमात्मा तक दी भी मंग वापस हो जाती है, उन्होंने ही परमात्मा नदर करते हैं, उन्होंने भी उतरता है। समा ज़्यादा हो गया है, पर जे श्री गुरु रामदास जी का शब्द गायन नहीं किया तो शायद अधूरा रह जाएगा। बेनती तो कर रहे हैं समाप्ति की, पर संगत का हुक्म है एक शब्द होर। बिन भागा सतसंग ना लभै, छोटा जा। बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिचय जियो। आओ सर। बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत
ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ